हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शैलजा। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं, लंबे घने बाल, सॉफ्ट शाइन, मैनेजेबल, फ्रिज फ्री, डैंड्रफ ना हो, स्प्लिटेंस ना हो, इस तरह से आप बाल चाहते हैं ना? आई नो कि बहुत सारे गर्ल्स और लेडीज़ ऐसे होते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर ग्रोथ एक एक्सट्रीम पे आके रुक गया है, यू नो स्प्लिटेंस हो गया है। तो उन लोगों के लिए और मेन मेजर इशू है, यू नो स्कैल्प में ऐसे बाल्डनेस होना, वो हो गया है। तो उनके लिए मैं ये सारा प्रॉब्लम के लिए मैं एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ, दैट इज़ विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि विटामिन ई ऑयल कितना बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट करता है विटामिन ई ऑयल हमारे बालों के लिए। विटामिन ई कैप्सूल तो ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत ही चीप है ये। अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे कि ओरली कंज्यूम करने का। तो ये विटामिन ई कैप्सूल के अंदर विटामिन ई ऑयल होता है, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है और इतना हाइड्रेशन होता है कि हमारे बाल को नरिश करता है, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, एक हाइड्रेटर है हमारे बालों के लिए ये विटामिन ई कैप्सूल। इससे क्या होता है, हमारा स्कैल्प और हेयर बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं, स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को एंड इन टर्न वो इंक्रीज करता है हमारे बाल को स्ट्रेंथन करने के लिए और शाइन प्रोवाइड करता है। विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे बालों में। एक तो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्रिवेंट करता है हेयर लॉस को, स्कैल्प में जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है और जो भी हमारे बालों का टेक्सचर वो काफ़ी इम्प्रूव करता है, जैसे कि सॉफ्ट शाइन मैनेजेबल बना देता है और हमारे जो स्कैल्प में जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको बैलेंस करता है। टॉपिकल एप्लीकेशन तो हम कर ही लेते हैं विटामिन ई ऑयल बालों में, बट ज़रूरी है कि इनटेक भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसे रिच फूड खाना चाहिए जो बालों के लिए भी, हेल्थ के लिए भी और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे कि एवोकाडो, नट्स हो गया है, सीड्स हो गया है, आलमंड हो गया है, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब भरपूर मात्रा में विटामिन ई ऑयल है। तो लगाने के अलावा भी हमको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताऊंगी विटामिन ई ऑयल को कैसा लगाया जाता है इस वीडियो में। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है, ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यूज़ करना है विटामिन ई ऑयल। अगर आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक लेवल पर आके रुक गया है हेयर ग्रोथ, तो उसके लिए कैसे यूज़ करते हैं विटामिन ई ऑयल वो मैं बताऊंगी। आपके बाल बहुत ही फ्रिजी है, डैमेज्ड है, ड्राई है, तो उसके लिए कैसे विटामिन ई लगाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ये रेमेडी बेस्ट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा, एक पॉइंट पे आके हेयर ग्रोथ रुक गया है। यहाँ पे मैंने विटामिन ई कैप्सूल लिया है, उसे कट करके विटामिन ई ऑयल को पूरा स्कैल्प में मैं लगा रही हूँ। इस तरह से लगाना है आपको, वीकली ट्वाइस आपको लगाना है, रात में लगा के नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप शैम्पू कर सकते हैं। बहुत ही थिक होता है विटामिन ई ऑयल, एज अ कैस्टर ऑयल की तरह रहता है। इसको इस तरह से जेंटली मसाज करना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, इस तरह से फिंगर टिप से आपको धीरे धीरे से मसाज करना है, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट रेमेडी मैं बता रही हूँ बालनेस के लिए, जो लोगों को बालनेस के इशू है तो उन लोगों के लिए ये रेमेडी बेस्ट है। मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया है और 2 विटामिन ई कैप्सूल लिया है। आप एक कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही लंबे समय तक आप रख सकते हैं। इसे क्या करना है, अच्छे से मिला के एवरी नाइट आपको उसी जगह पर लगाना है जहाँ आपको बालनेस की इशू है। ये हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छे से आपको मसाज करना है, वो 10-15 मिनट्स तक आपको मसाज करना। ये रेमेडी बेस्ट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है। कोकोनट ऑयल आपको लेना है अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ और मैंने यहाँ पे 1 विटामिन ई कैप्सूल लिया है। अच्छे से मिक्स करके आपको पूरा स्कैल्प में आपको लगाना है, वीकली 2 आपको करना है, रात में लगा के नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको हेयर वॉश करना है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं। ड्राई डैमेज हेयर के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। एलोवेरा जेल लेना है, ग्रिजलिन लेना है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और मैंने यहाँ पे 3 विटामिन ई कैप्सूल लिया है। जो भी लेना है अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ आपको लेना है। अच्छे से मिक्स करके आपको पूरे सेक्शन बाय सेक्शन इस तरह से पूरा लेंथ में आपको लगाना है। लगाने से पहले अच्छे से आपको डिटैंगल करना है बालों को, तो मैंने इसको अच्छे से लगा के मैं ओवरनाइट छोड़ती हूँ, ओवरनाइट इसे रखे रहती हूँ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेयर वॉश करती हूँ।
आज मैंने जो ये शेयर किया है हेयर फॉल, यू नो हेयर ग्रोथ और बाल्डनेस और फ्रिज एंड डैमेज हेयर के लिए जो भी मैंने सोल्यूशन मैंने बताया आपको इस वीडियो में, आप ये ट्राई कीजिए एटलीस्ट फॉर यू नो एटलीस्ट फॉर 3 मंथ ट्राई कीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। तो ये था आज का वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। थैंक यू, बाय।